अच्छा देखिए, मैं आपके सवाल को एक जवाब देता हूँ। जब हम किसी के साथ रिपीट काम करते हैं तो भी आपका सवाल होता है, आप इसी के साथ क्यों करते हैं, इसी के साथ क्यों करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चक्कर है। जब हम किसी को नए को ब्रेक देते हैं तब भी आपका सवाल है जो उसको हटाया क्यों गया। अब बताइए कि हम क्या जवाब दें इसका। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो पहले क्यों, पहले काजल राघव, पहले से ही वो न्यू एक्ट्रेस को आप ले सकते थे आपके साथ उस फिल्म में, आप क्या पूछे, लेकिन पहले काजल और फिर रिप्लेस क्यों किया जा रहा है? कौन बोला जो रिप्लेस किया गया? पहले काजल राघवानी श्रुति राव का नाम आया था, अभी भी काजल राघवानी है, श्रुति राव मेरे कौन से सिनेमा में, लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा में काजल ही है। देखिए मेरा कहना यहाँ है कि मैं किसी को ना हटाता हूँ और ना ही रखवाता हूँ। मैंने बहुत सारे नए एक्टरों के साथ काम किया है, ये हैं, अभी मैंने मंटुआ के नानी किया, उसमें भी नई तीनों कि तीनों लड़कियां नई हैं। प्रॉब्लम ये है, मैं आप सबसे एक बार बात बताया ये बताना चाहता हूँ, आप लोग को भी एक चीज़ होती है ना कि जोड़ियाँ क्यों आती हैं। मैं किसी जोड़ी के पक्ष में नहीं हूँ, बट मेरे कहने का मतलब कि मुझे अगर 15 रीटेक देना पड़ता है अपने डांस में तो बड़ा दुख होता है। सर इस लॉकडाउन में अगर कोई अच्छी एक्ट्रेस हमारे साथ अगर एक टेक में हमारा काम कर दे तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे साथ वही काम करें। इसलिए कि जब गर्मी होती है, पसीना होता है, पंखा नहीं होता, पहाड़ों के बीच में, और हमें तुरंत काम करके निकलना होता है, टाइम कम होता है, क्योंकि हमारी भोजपुरी की बजट से लेकर और हमारी रिकवरी दोनों मायने रखती है और सबका ख्याल रखना पड़ता है। और एक कोई नई लड़की आती है जिसको डांस भी नहीं आता है और उसके साथ काम करने के बाद हम 20-20 रीटेक देते हैं, एनर्जी उतनी लगती है, तो जब हम नाचते हैं तो हमें तकलीफ होता है कि हमने गलतियाँ की। तो एक अच्छी एक्ट्रेस को जिसको देखिए, मैं सबको बोलता हूँ कि आप डांस सीख कर आइए, आप एक्टिंग सीख के आइए और आप अच्छा करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अंदर पावर होगा ना तो आपको प्रमोट की ज़रूरत नहीं है, मेरे कहने का मतलब प्रमोट की ज़रूरत नहीं है। एक बार पूछ खेसारी के साथ एक एक सिनेमा करके और लोग बड़े कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर हो जाते हैं, लेकिन कोई कोई जो है कि 10-10 सिनेमा करने के बाद उनका पोजीशन नहीं बनता, तो क्या करिएगा? उसके लिए ना मैं दोषी हूँ, ना कोई दूसरा दोषी है, ना कोई एक्टर दोषी है। तो देखिए मेरा कॉल नहीं है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हीं का कॉल है, और नहीं तो शायद रितु सिंह मेरे साथ काम ही नहीं कर पाती। अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का कॉल नहीं होता, मेरा ही चलता तो हर जगह काजल ही होती, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। जिस सिनेमा का जो रोल होता है लगता है कि नहीं इसमें हार्ड कोर एक्ट है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तो उसके लिए लोग खुद से अपने कंफर्टेबल के लिए कि हमारा काम जल्दी हो जाए, इसलिए बड़े एक्टरों के साथ काम करते हैं। सर इस लॉकडाउन